बिना कोई झंझट के आज हम सिरके वाली रेस्टोरेंट स्टाइल स्वादिष्ट प्याज बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 10 से 12 छोटे प्याज साइज के प्याज ले लिया है। आप बड़ा साइज के भी प्याज ले सकते हैं। उसके बाद प्याज का छिलका उतार कर उसे साफ पानी से धो लेंगे और उसके बाद प्याज में 2 कट लगाएंगे, बिल्कुल आधे इंच के बराबर, ज़्यादा कट नहीं लगाएंगे। ये देखिए, कुल 2 साइड से कट लगा लेंगे आधे इंच के बराबर, ज़्यादा कट नहीं लगाएंगे इसमें। सारे प्याज में हम ऐसे ही कट लगा लेंगे। ज़्यादा कट लगाने से बिल्कुल प्याज बिखर जाएगा और ज़्यादा गल जाएगा। सारे प्याज में हम ऐसे ही कट लगा लेंगे। जो छोटा ऐसे भी बच गया है उसे भी हम ले लेंगे और एक ग्लास का जार लेंगे, उसमें हम सारे प्याज को डाल देंगे। आप बड़े साइज के भी प्याज ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बड़ा कट लगाइएगा, 1 इंच के बराबर बड़े प्याज में। छोटा प्याज जल्दी गल जाता है और देने, क्योंकि एक साथ में बड़ा प्याज कोई नहीं खाता, इसलिए छोटा प्याज लेते हैं ताकि एक बार में एक किसी को दें तो छोटा साइज़ प्याज खा लें और वेस्ट भी ना हो, इसलिए छोटा साइज लेते हैं और जल्दी गल भी जाता है ये। बड़ा प्याज गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने जार में भर लिया है सारे प्याज को। अब मैं इसमें विनेगर डालूंगी, वाइट विनेगर। ये देखिए, वाइट कुकिंग विनेगर, ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे, किसी भी किराना शॉप में, मॉल में कहीं भी मिल जाएंगे आपको। इससे मैं आधे गिलास लूँगी विनेगर को, आधे गिलास लूँगी मैं। ये छोटा साइज़ का गिलास है, इससे आधे गिलास मैं लूँगी, इसमें डाल दूँगी मैं प्याज में, पूरा डाल दूँगी मैं। और अभी मैंने नॉर्मल फिल्टर से लिया हुआ पानी लिया है, नॉर्मल पानी है ये, रूम टेम्परेचर पे जो नॉर्मल पानी होता है वही है ये, ना गर्म किया ना ठंडा, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है। उसे डबल मैंने ले लिया है, उसमें डाल दिया है जार में। अब मैं इसमें नमक डालूँगी 4 से 5 चम्मच। नमक डालने के बाद मैं इसमें कलर के लिए बीटरूट डालूंगी, चुकंदर, जो कि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल मत डालिए, आपके पास नहीं है तो बिल्कुल मत डालिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। थोड़ा सा इससे बिल्कुल कलर आ जाएगा, बिल्कुल रेड कलर आ जाएगा, इसके लिए मैंने ये डाला है। आप नहीं भी डालेंगे इससे स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इससे स्वाद चेंज नहीं होता है। आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, बिना डाले भी ये कलर थोड़ा सा हल्का आएगा लेकिन खाने में सेम वैसे ही लगेगा। तो मैंने कलर के लिए इसमें डाल दिया है और इसे ढक्कन बंद करके मैं इसे मिक्स कर लूँगी ऐसे हिला के। देखिएगा, आराम से सावधानी बरतते हुए आप इसे अच्छे से हिला लें। हिलाने के बाद मैं इसे खोल करके आपको दिखाती हूँ ढक्कन को। और इस को मैं अब फ्रीज में रख दूंगी, ये 5 से 6 घंटे बाद खाने लायक हो जाएगा। ये देखिए, 5 से 6 घंटे में बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा ये, मैंने फ्रीज से निकाल लिया है
और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा ये प्याज, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 5 से 6 घंटे बस लगेंगे। सुबह आपने बनाया, शाम तक खाने लायक हो जाता है। आप इसे किसी भी पराठे के साथ, आलू पराठा, किसी भी पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप खा सकते हैं। तो ये मैंने 5 से 6 घंटे फ्रीज में रखने के बाद आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और सॉफ्ट भी हो गया है। आप इसे फ्रीज में ही स्टोर करके रखिएगा, बाहर मत रखिएगा, और ना ही इसे प्लास्टिक के कोई किसी जार में रखिएगा। आप स्टील के बर्तन में रख सकते हैं, प्लास्टिक में मत रखिएगा, नहीं तो स्मेल आएगा। और फ्रीज में अगर रखेंगे आप तो 1 महीने तक आराम से ये चल जाएगा, बाहर मत रखिएगा। और ना ही इसे धूप दिखाने की ज़रूरत है, कोई धूप वूप नहीं दिखाना है इसे, आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी। और साथ ही में आप सभी अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, बाय बाय। और अपने घर पर ट्राई ज़रूर करना, बनाकर खाना और बताना ज़रूर।